जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे एक बॉक्स डिलीवर, जिसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन है 11,499 रुपीज़, और इसको हम अनबॉक्स करना देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। तो फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या हमें कुछ मिल जाता है। और अनबॉक्सिंग ये जो वीडियो है, ये तो मेरी तीसरी मोबाइल की अनबॉक्सिंग है, और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है देखने को। अरे मोबाइल ही मंगाया गया था, मोबाइल कैसी है क्या है पूरा फीचर जानेंगे खोलने के बाद। तो देख ही सकते हैं आप, ये जो फ़ोन है ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, टेक्नो का है और टेक्नो कैनोन 60 ये है मॉडल। और यहाँ पर आप पीछे कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं 464 GB इसके अंदर है। जो इसका कलर है वो है पेरिस्ट ब्लू कलर का। तो अनबॉक्स करेंगे फिर देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक लोगो लगा रखा है इन लोगों ने, मेड इन इंडिया का। तो टेक्नो एक्चुअली मेड इन इंडिया से ही है, और यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर मेंशन है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और बाकी कुछ इधर आपके हाईलाइट फीचर इसके अंदर है, 64 MP इसके अंदर क्वाड कैमरा मिलेगा, 4 कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अल्ट्रा नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड भी इसके अंदर दे रखा है, साथ साथ यहाँ पे सुपर वीडियो मोड भी है, आप वीडियो अच्छा खासा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर गेमिंग प्रोसेसर देख सकते हैं आप, G70 का प्रोसेसर है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग भी इसके अंदर आप कर पाएंगे। साथ ही साथ इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, 6.8 स्क्रीन इसका है यहाँ पर स्क्रीन, ये भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ मिल जाता है, 18 वाट का सुपर फास्ट चार्जर, तो भी काफ़ी बेस्ट है। और बैटरी के बारे में यहाँ पर कहीं मेंशन मुझे नहीं मिला कितने mAh की बैटरी है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करेंगे तो मिल जाएगा अंदर क्या इसके अंदर बैटरी है। सपोर्टेड कुछ इसके अंदर मेंशन फीचर है, क्या क्या इसके अंदर सपोर्ट चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि क्या क्या सपोर्ट करेगा। तो आप लोग एक बार स्टॉप करके सारा कुछ देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर ये सपोर्ट कर सकता है। और एक बार मैं बैटरी थोड़ा सा देख लूँ, शायद इसका यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखा है कंपनी वालों ने, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का, यानी कि प्रॉमिस करती है कंपनी की अगर एक बार स्क्रीन फूटेगी तो वो रिप्लेस करके आपको देंगे, थोड़ा डैक नया लगाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसको हम साइड में करते हैं। तो ये रहा पहला ऊपर का बॉक्स, और इसके अंदर देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पर ये केस मिल जाता है, और केस की क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक लोगो लगा रखा है लोगों ने, लेकिन कंपनी का नाम नहीं है, ठीक ठाक है। इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये स्कैन करके दिया है कंपनी वालों ने, इसको संभाल रखने के बाद जब ये मोबाइल रिप्लेसमेंट में जाएगी स्क्रीन तो काम आएगा। और कुछ यहाँ पर पर्चियाँ मिल जाती है, जिसके अंदर इन लोगों ने अपना गारंटी का बताया है कि 12+1 मंथ यानी कि 13 मंथ की इसको आपको गारंटी मिल जाती है। चलिए मोबाइल निकाल देते हैं क्या इस, देखिए वही स्क्रीन काफ़ी बड़ी है इस मोबाइल की, तो आप देख ही सकते हैं फ्रंट से ऐसा लुक है इसका, और बैक से देखिए काफ़ी अच्छी लगती है। कैमरा इसका बिल्कुल अलग डिज़ाइन का है, और इसके अंदर आपको जो लाइट मिलती है वो 4 मिल जाती है लाइटें। और ये देखिए आपका ये मेन कैमरा है जो 64 MP का है, और बाकी डेप्थ सेंसर के लिए और नॉर्मल कैमरे हैं जो कि 3 है। तो चलिए इसको बूट अप करते हैं। और यहाँ पे कुछ चार्जर देखिए, ये आपका चार्जर है, 18 वाट का चार्जर मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जर है। साथ में और क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। एक और बॉक्स मिल जाता है, और इसके अंदर आपको केबल मिल जाता है जो कि माइक्रो USB है, टाइप सी नहीं है। टाइप सी हो तो काफ़ी बेटर होता, बट टाइप सी अभी फ़िलहाल में इसमें नहीं है, ये माइक्रो USB है, बट ठीक है, फास्ट चार्जिंग है तो काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी है, मेंशन नहीं किया कंपनी ने वालों ने। यहाँ पर जो सार वैल्यू काफ़ी बेस्ट है, 1.6 वाट की है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कान के पास रखते हैं तो। चलिए इसको ऑन करते हैं, तो ये बूट अप हो रहा है, फिर बताते हैं इसके अंदर क्या क्या कुछ फीचर मिल जाते हैं। रखो तो देख सकते हैं आप, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तो सेलेक्ट करना है, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही है, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप जो सर्च करना चाहें सेट कर सकते हैं, इंडिया में है तो इंडिया सेट करें, जिस जगह पे आप हैं वो सेट करें फटाफट से। तो चलिए हम सेटअप करते हैं, फिर बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में, कैसा कैमरा इसका मिल जाता है। तो फ़ोन हो चुका है पूरी तरह से सेटअप, और अब देखते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी और बाकी चीज़ें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। शुरू में मेंशन जो भी चीज़ें थी बता चुका हूँ, और सेटिंग एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे सिस्टम में, तो इसके अंदर मिल जाएगा मैनुअल गाइड और का ऑप्शन, और सिस्टम अपडेट इसके अंदर अब कंपनी देगी नहीं देगी वो बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे कुछ ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं, और ये जो है 4G ऑप्शन के साथ आती है, और इसके अंदर जो आपको मिल जाता है यूज करने के लिए वो 11.23 स्टोरेज GB यहाँ पे मतलब खाली मिलेगी आपको, इतना कुछ देख लीजिए, 64 GB है
और यहाँ मेन इसकी और आपको मिलेगी जो यूज करने के लिए वो मिलेगी 52 GB के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोरेज, जिसको आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 GB ऑलरेडी फुल है रैम इसका, 4 GB का रैम मिला आपको इसके अंदर में। तो ये चीज़ें हैं, बाकी माई फ़ोन में चलते हैं देखते हैं क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। देखिए 4 GB 64 GB और यहाँ पर 16 MP कैमरा और 64 सेल्फी जो है इसका फ्रंट कैमरा यानी कि 16 MP का है और बैक कैमरा बता ही रखा हूँ 64 MP क्वाड कैमरा है। देख सकते हैं आप ये 4 कैमरा इसके अंदर मिल जाता है इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे हीलियो G70 का प्रोसेसर है, प्रोसेसर गेमिंग के लिए बना होता है ये प्रोसेसर, तो काफ़ी अच्छा है। और बैटरी यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी देख सकते हैं आप 5000 mAh की बैटरी है, ठीक है। ये मोबाइल जो है ये ऑलरेडी फुल HD नहीं है, HD मोबाइल है ऑलरेडी, और एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, तो यहाँ पे खुल नहीं रहा बट ये हाँ यहाँ से खुल जाएगा। देखिए एंड्रॉयड वर्जन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए एंड्रॉयड 10 पे ये बेस्ड है जो कि अच्छा है। एंड्रॉयड 11 इसके अंदर आ जाएगा और अपडेट आता है तो इतना सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। बाकी कैमरा एक बार फिर से चेक ही कर लेते हैं कैसा इसका कैमरा है। अब यूजेज के बाद इसका एक बार रिव्यू देखेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके कैमरे की जो क्वालिटी है वो कैसी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से इसका कैमरा है और बाकी सारी चीज़ें एक बार कैप्चर करते हैं फिर चेक करते हैं। शटर स्पीड काफ़ी इसकी तेज़ है और ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कैमरा इसका ठीक है, बच्चे कराते हैं आपको जो फोटो हमने लिया, डिटेलिंग ठीक ठाक आ जाती है इसके अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे। ज़्यादा जूम करने पे हल्का हल्का सा फट रहा है पर 64 में भी सर कैमरा है, तो देखिए यहाँ प्राइस वाइस काफ़ी अच्छी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कई ये कैमरा जो है फोटोशॉप के लिए नहीं है बट फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, इन सब के लिए काफ़ी बेस्ट कैमरा है इसका। और वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है, रिकॉर्डिंग के अंदर ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप 720p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको आप चेंज करना चाहें तो लास्टली 2K अच्छा एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है कंपनी, और 2K भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम 4K नहीं कर पाएंगे, लास्टली 2K तक कर सकते हैं और 1080p भी आप कर सकते हैं यानी कि 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ 2K भी रिकॉर्ड आप यहाँ पे कर पाएंगे। 4K का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता बट ठीक है, इसमें मतलब आपका डिस्प्ले जो है ऑलरेडी 720p है जिसमें आपको 2K का ऑप्शन मिल रहा है तो काफ़ी बेस्ट है और प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। आगे एक चीज़ और इसमें मैं दिखा दूँ आपको, पर फ्रंट कैमरा आप खोलते हैं तो एक नया फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएगा LED का, दिखाओ आपको। देखिए ये 2 LED मिलेगा, नाइट में आप कैप्चर करते हैं फोटो तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, फोटो ऑलरेडी आपके अच्छे आ जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल दे रखा है कंप्यूटर नाइट के लिए, तो काफ़ी बेस्ट है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा आपको फ्रंट कैमरा में, ब्यूटी मोड मिल जाएगा, AL कैमरा भी मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट में भी 2K आप कर सकते हैं, बैक से भी 2K कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और ये 60 वीडियो दे रखा है कंपनी ने 30 सेकंड, जैसे आप कोई और भी अदर ऐप्स यूज करें जैसे कि लाइक हो या अदर कोई ऐप्स हो उसको भी आप यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे, 30 सेकंड का वीडियो यहीं से आप बना सकते हैं। जूम की बात करें तो 2x जूम है और काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का इसका फीचर था, लेना चाहते तो फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर डेफिनेटली एक बार चेकआउट करिएगा। ओके टेक केयर। फिंगरप्रिंट कैसा काम कर, देखिए जैसे ही मैंने लगाया इंस्टेंट खुल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं इसको लॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही टैप करूँगा देखिए ये तुरंत लगाते ही खुल जाता है, तो बहुत इसकी स्पीड भी काफ़ी ठीक है, फिंगरप्रिंट की स्पीड ठीक ठाक है। देखिए ये मैंने लगाया और ये खुल गया, तो स्पीड काफ़ी ठीक है। चलिए एक बार चेक करते हैं इसके अंदर सिम स्लॉट कैसा मिल जाता है, तो निकालते हैं, मे बी हाइब्रिड होनी चाहिए, अब देखते हैं, हाँ हाइब्रिड है। तो आप इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड और साथ ही साथ 2 SIM कार्ड भी लगा सकते हैं, तो ये आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। तो इसके अंदर मिल जाता है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट और यहाँ पर देख सकते हैं गैस का प्रोटेक्शन दे रखा है कंपनी वाले, यानी कि ये नॉर्मल स्प्लैश प्रूफ भी, यानी कि पानी में हल्का फुल्का जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है इस गैस का प्रोटेक्शन की वजह से, तो ये थोड़ा मोड़ा वाटर प्रूफ भी आपका काम करेगा, यानी कि ठीक ठाक है। यहाँ पर इस चीज़ का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, तो ये चीज़ें हैं। बैक से आप देख ही सकते हैं, फ्रंट से फिंगरप्रिंट का ये ऑप्शन जो है ठीक जगह पर, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है तो वजन कुछ ज़्यादा इसका नहीं है तो ठीक ठाक है, इस देख सकते हैं नॉर्मल मोबाइल से थोड़ी सी बड़ी इसकी स्क्रीन मिल जाती है आपको। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो रिव्यू देते हैं आपको फिर से एक बार ये मोबाइल कैसा है 1 मंथ यूज के बाद। ओके टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।